उत्तर प्रदेश आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की। ये प्रदेश जहां देश की सियासत तय करता आया है, वहीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। राम और कृष्ण की धरती वाले इस प्रदेश में जहां काशी विश्वनाथ दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में विराजमान है, वहीं अद्भुत त्रिवेणी संगम भी इस प्रदेश को खास बनाता है। यहां का कोना कोना ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है, तो अंग्रेजों से हुए संघर्ष की यादें भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौजूद हैं। गुजरते वक्त के साथ उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को बदला है। अपनी परंपराओं को सहेजते हुए ये प्रदेश आज आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आज इसे उत्तम प्रदेश भी कहा जाने लगा है। विकास का एक नया सवेरा जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े प्रदेश का इंतजार कर रहा है। कभी माफिया और जंगल राज के रूप में पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्षों से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के नए सोपान चढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में कड़ी कार्रवाई कर संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है, वहीं दूसरी तरफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रदेश वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। वहीं एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे विकास कार्यों के जरिए आम लोगों के जीवन को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों के नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना जैसी योजनाएं सरकार के इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।